इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहसिन इम्तियाज़, जो कि हमारा एक सीनियर स्टूडेंट है। इससे हम जानना चाहेंगे कि हमारे दोस्त इकरार अहमद के पयाम खैबर के साथ 4 साल मुकम्मल हो गए, तो इस हवाले से हम इनके ख्यालात जानना चाहेंगे। तो जी मोहसिन भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पयाम खैबर की डिजिटल चैनल का इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज आप लोगों ने बहुत अहम दिन सेलिब्रेशन जो है इस चैनल के हवाले से आप लोगों ने यहाँ पे वो सेलिब्रेट की। जहाँ तक मैं अगर बात करूँ पयाम खैबर के हवाले से, तो यकीनन ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साफ़ी दोस्त इकरार भाई ने पयाम खैबर के ज़रिए जो वहाँ के लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं या वॉइसलेस लोग हैं, तो उनकी आवाज़ को जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाया। फिर अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 साल इनके शोबे में मुकम्मल हो गए, और इन 4 सालों में हमने ज़िला खैबर का कई बार जो है वो दौरा किया, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। रिसेंटली जब हम खैबर आए थे तो वहाँ पे जो याया नामी बच्चा था जो कि कुएं में गिरा था, तो उसकी कवरेज के लिए जब हम आए तो हमें इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। यानी इन्होंने पयाम खैबर के ज़रिए ना सिर्फ अपने लिए काम किया बल्कि हमारी तरह लोगों के लिए भी, जिनका ताल्लुक और अजला से हैं लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मीडिया पे जो लोगों के बेसहारा लोग हैं उनकी आवाज़ के साथ साथ इन्होंने सोशल वर्क पीस के थ्रू किया। अगर हम देखें रिसेंटली इनकी वीडियोस पड़ी है सोशल मीडिया पे, कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि जब कोविड-19 आया या और इस तरह सिचुएशंस थे डिस्ट्रिक्ट खैबर में कि जब लोग जो है उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था, तो इन्होंने सोशल वर्क एक्टिविटीज़ भी किए और पयाम खैबर के ज़रिए इनकी आवाज़ जो है वो उन लोगों तक पहुँचाई जो कि मुस्तैक हैं, जो कि इन लोगों की मदद कर सकती हैं, जो कि मुस्तैक है। तो इस मौके पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनके 4 साल मुकम्मल हुए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ये जो है पयाम खैबर के ज़रिए खिदमात जो है वो सहाफ़त के हवाले से लोगों के करेंगे और बेसहारा लोगों की आवाज़ को जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। तो एक बार फिर मैं आपका डेरा मनन आस्था सोद पयाम खैबर टी वी चमंगले खबरों कवल मुकरा कला यकीन जनन डेर ज्यादा खुशहाल शुमा चिदा से चमतु जवानान राजी और जमंगा दगा खौर लवद वर कई और ब्या ददा से जरखेज और मरदम खेज इसम किला ब्या खसूसी कमंग पर कबायली सिम क्यों जमंगा खैबर एजेंसी चकम दा उस चूँकि डिस्ट्रिक्ट दाद कुदरती वसाइल न मालामाल दा खोवल पदगा कुदरती वसाइल चिकम ने दगा के मुंग मुख्तलिफ खंडान जोल शिवि दे नुजमंगा इकरार बई और उस्तासु चिकम स्ट्रगल ले नो इनशाला चि पदगा कोशिशु नरा बदगा खंडान और मुंगस्तासु द टी वी पदे वसात सरा बदगा मसली और दगा स्तून से चिकम दे टोल वराल द मल्क और ब्या पखैबर पख्तनख्वा के और पागे के ब्याता सुरापा से और ददा से इकदाम तो कई और दखल को आवाज़ जोल से द गरीब उलस सहापत दग सिज दे चिकम दा चिकम ने सहीपे न राउते दे सहाफत अल्फाज नो दाडेर सब अवी चिकम हकीकत वे हु बहु अगा मंगा खल को तपदगा कैमरा बाने खयु नो ज ब्याम स्ता सुडेर शुक्रिया अदा कोमा ददगा गरीब खल को आवाज़ जोल शे और ददवी चिकम ने मलातड़ो के ददवी सरमरस। तो बयाम खैबर जो है मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। इसने कोविड-19 में मतलब बहुत सारे घरानों को राशन भी पहुंचाया अपने इस चैनल के तहत। ये चैनल मतलब यहाँ पे केपी के गरीब लोगों का आवाज़ है। पयाम खैबर में बहुत पहले से फॉलो करता था, तो इससे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलती थी, मतलब गरीबों का आवाज़ बनता था। तो हमें चाहिए कि इसके मतलब सपोर्ट करें हम सब ने मिलकर। यहाँ जर्नलिज़म में ये फर्स्ट पहला जो चैनल है इसको हमने देखा है, तो ये मुझे पता भी नहीं था कि ये जर्नलिज्म डिपार्टमेंट पेशावर का है, तो अभी पता चला है माशाल्लाह। तो सबसे मैं इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो पयाम खैबर।